क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। तो भैया सुना, हिंदुओं के साथ साथ मोदी जी का क्रिश्चियनों से पुराना नाता है। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? विश्व गुरु ने 35 साल भीख मांग कर खाया है, इसीलिए इनका सभी धर्मों से नाता है। वैसे दोस्तों, शुक्र है धरती पर डायनासोर नहीं है, वरना अब तक उनसे भी कोई न कोई नाता जोड़कर बता देते। और लल्लन भैया, ये सुनने के बाद गोबर भक्तों को गौमूत्र का डोज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये ससुरे 2-3 दिन से क्रिसमस का बहिष्कार करने में लगे थे, लेकिन मोदी जी ने जोड़ दिया क्रिश्चियनों से नाता और इन लोगों के मुंह पर फिर से पड़ा करारा तमाचा। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इनका नाता बिल्कुल टाटा नमक की तरह है, क्योंकि जैसे वो हर जगह हर दुकान पर मिल जाता है, वैसे ही इनका नाता भी कभी ईसाइयों से निकलता है, कभी हिंदुओं से निकलता है, कभी सिखों से निकलता है, बस केवल मणिपुर वालों से नहीं निकलता। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग मजाक मजाक में कहते हैं इनका हर जगह हर चीज से कोई ना कोई नाता, बस केवल अपनी पत्नी को ही बोल दिया है बाय बाय टाटा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का इस राजस्थान की वीर भूमि से किया। उन्होंने पोखरण में 98 में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, अभी कुछ दिन पहले शपथ समारोह में मोदी जी को मुख्यमंत्री बोला गया था, लेकिन अब की बार तो भजनलाल शर्मा जी ने उन्हें डायरेक्ट श्रद्धांजलि ही दे दी। तब तो लल्लन भैया, अगर इसे जगदीप धनखड़ महोदय जी की नजरों से देखा जाए तो ये पूरे मोदी समाज के अपमान है। वैसे लल्लन भैया, एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब की बार राजस्थान वालों को डबल इंजन तो छोड़ो, पहिया भी नहीं दिया गया है, क्योंकि सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। भैया, इसीलिए तो लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि नए नवेले मुख्यमंत्री जी के लिए केवल टेलीप्रॉम्प्टर की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक भाषण देने वाले का भी प्रबंध कर देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया, मैं भी एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि भजनलाल शर्मा जी ने भी इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री ली है, क्योंकि मोदी जी की तरह इनकी भी जुबान बार बार फिसलती है। लेकिन लल्लन भैया, ये भी हो सकता है कि भजनलाल शर्मा जी मोदी जी से नाराज हों, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में 450 का सिलेंडर देने का किया था वादा, जो कि बाद में साबित हुआ सिर्फ जुमला ताजा।